कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। यहां उन्होंने किसान संगठनों के सभी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान किसान संगठनों के नेताओं ने उनका मंच पर स्वागत करते हुए आशीर्वाद भी लिया। मंच से तारा गांधी भट्टाचार्य ने किसानों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, मैं तो राकेश टिकैत और अन्य नेताओं से यहां मिलने आई हूं। दिल्ली से बॉर्डर तक आने में भले घंटे लगे हों, लेकिन मैं ये यात्रा कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने कहा कि आज हम जिंदा हैं तो किसानों की वजह से। यदि किसानों का हित नहीं होगा तब तक हमारा हित नहीं होगा। आप सभी यहाँ आए हैं, आप महान हैं। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम मेरे। मैं तो सिर्फ राकेश भाई को और बंधुओं को मिलने आई थी। मेरे साथ गांधी संस्था के श्री रामचंद्र राही आए हैं, डॉक्टर अन्नामलय जी आए हैं और भी साथी लोग आए हैं। हमें गांधी संस्था से जुड़े हुए हैं, गांधी नेशनल उससे म्यूजियम से और गांधी स्मारक से। और मेरे साथ तमिलनाडु की बहन आई है और मेरे अपने सचिव आए हैं नीरज भाई। हमें 3 घंटे लगे दिल्ली से यहाँ पहुँचने में, लेकिन ऐसी अद्भुत यात्रा जीवन की कभी नहीं भूलूंगी मैं। और मेरठ बचपन से ही, मेरठ और हापुड़ तो ऐतिहासिक जगह रही है। इधर से गुजरना जैसे कि मैं अपने पीछे के दिनों में चली गई, जब गांधी का युग था और जब मैं बहुत छोटी थी और जब अहिंसा की क्रांति होती थी। आज मैं आप लोगों को नमन करने आई हूँ कि अगर आज हम जिंदा हैं तो आप लोगों के कारण। अगर किसान भाइयों का हित नहीं होता है तो हमारा देश का हित नहीं होगा, मेरा हित नहीं होगा। मैं किसी भी राजनीति दल के लिए नहीं आई हूँ। हमारे साथ कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं है, कोई नहीं है। हमारे साथ सिर्फ आप लोगों का प्यार है, उससे अधिक मेरा है जो मैं आप लोगों के प्रति। आज मुझे मौका मिला है कि मैं जिंदगी भर जिनके काम के कारण मैंने खाया है, मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, मेरे साथ लोग रहे हुए हैं, मैं किसी को खिला सकती हूँ, मैं कुछ खा सकती हूँ, आज आप लोगों ने बुलाया है। साथ ही तारा गांधी भट्टाचार्य ने कहा कि मैं न राजनीति समझती हूँ न कानून, लेकिन आप मुझे अपना गाँव का ही समझिए। आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सत्य की जीत हो और जो भी हो भला हो। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। गांधी जी के साथ मेरा 14 साल का अनुभव है। उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई के साथ हूँ और हमेशा इसके साथ खड़ी रहूंगी। कुछ हो, मैं राजनीति बिल्कुल नहीं समझती, मैं तो अनपढ़ हूँ और मुझे आप अपने गाँव का ही समझिए। मुझे दिल्ली की हूँ लेकिन समझे मैं आप लोगों की हूँ। और मैं आप लोगों से कहती हूँ, वयोवृद्ध अवस्था में मैं सिर्फ प्रार्थना करने आई कि सत्य की जीत हो, आप लोगों का जो अभाव है वो पूरा हो। और जो भी देश में हो, मैं सच कहूँ आपके सामने इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। मुझे गांधी जी की भी मैंने पोतियाँ नहीं पढ़ी हैं, उनके साथ मेरी 14 साल की उम्र तक अनुभव रहा है। और मातृशक्ति की भी वंदना करती हूँ जो बहनें यहाँ हैं, कि महात्मा गांधी आज उस जगह नहीं होते हमारे राष्ट्रपिता अगर उनकी सहधर्मिणी कस्तूरबा ने उनका साथ नहीं दिया होता। इसलिए मैं आज सब बहनों को भी प्रणाम करती हूँ, बहनों को, माताओं को, बच्चों को, सबको। किसान हित में हमारे देश का हित है, मेरा हित है। देश दिन सारे जीवन में जो मैं आभार युक्त रही हूँ, आज मैं सिर्फ उन्हीं को जिनसे मैंने दिया है उनको प्रणाम करने आई हूँ। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर से ही काफी संख्या में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। आंदोलनकारी किसान केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला एक कानून लाने की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट।